आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। उत्तराखंड के इंच 8 जिलों में बारिश और बर्फबारी का अंदेशा। आसमान में छाए रहेंगे बादल। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अंदेशा जताया है, साथ ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। वहीं प्रदेश में बीते दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे ठंड में इजाफा हो रहा है। अल्मोड़ा प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष बने अजय व कुल महासचिव पद पर हुए विजय। अल्मोड़ा में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के चुनाव को लेकर लोगों ने इनमें खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं अध्यक्ष का ताज अजय वर्मा के सिर पर सजा और वकुल साह महासचिव बने हैं। नगर व्यापार मंडल के चुनाव में महिला उपाध्यक्ष निर्विरोध चुनी गई हैं। आज होगी धामी कैबिनेट की बैठक। आचार संहिता से पहले कई अहम प्रस्तावों के आने की उम्मीद। 4 मार्च यानी आज धामी सरकार की कैबिनेट बैठक होने जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों के आने की उम्मीद है। धामी सरकार वन पंचायतों के अधिकार बढ़ाने पर भी मुहर लगा सकती है। लोकसभा इलेक्शंस में पहली बार लागू होगी चुनाव जब्ती प्रबंधन प्रणाली। कर्मचारियों को दी जा रही ट्रेनिंग। लोकसभा चुनाव को देखते हुए जहां एक तरफ आयोग तैयारी में जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ आयोग की तरफ से कुछ नई व्यवस्थाएं भी शुरू की जा रही हैं। इसी कड़ी में चुनाव को देखते हुए प्रदेश भर में चुनाव जब्ती प्रबंधन प्रणाली को भी लागू करवाने की कोशिश हो रही है। इसके लिए उत्तराखंड में भी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अजय टमटा को प्रत्याशी बनाने पर अल्मोड़ा में जश्न। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी। अल्मोड़ा लोकसभा सीट से अजय टमटा को बीजेपी में ने प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद उनके समर्थन में खुशी की लहर है। समर्थकों ने आतिशबाजी करते हुए मिठाई बांटी। निगम महासंघ ने उठाई डीए बढ़ाने की मांग। सीएम धामी ने फौरन कर दिया फाइल पर अनुमोदन। राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने सीएम धामी से मुलाकात कर महंगाई भत्ते पर जल्द आदेश किए जाने की मांग उठाई है। खास बात यह है कि मुलाकात के फौरन बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महंगाई भत्ते से जुड़ी फाइल पर अनुमोदन भी कर दिया। इसके अलावा भी महासंघ ने मुख्यमंत्री के सामने कुछ महत्वपूर्ण मांगों को रखा है। काठगोदाम में 15 दिनों से लापता नवी का छात्र, तलाश में जुटी पुलिस। नवी का छात्र पिछले 15 दिनों से लापता है, जिसकी काठगोदाम पुलिस तलाश कर रही है। छात्र की तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। उधम सिंह नगर पुलिस ने किया डबल मर्डर केस का खुलासा। 3 हत्यारे गिरफ्तार, एक की तलाश जारी। उधम सिंह नगर एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने काशीपुर डबल मर्डर केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 3 हत्यारों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य की तलाश जारी है। बीजेपी हाईकमान ने फिर से अजय भट्ट पर जताया भरोसा। हल्द्वानी बीजेपी कार्यालय में जश्न। रामनगर में निकाला गया फ्लैग मार्च। रामनगर में जमकर बरसे ओले, सफेद चादर देख लोग समझ बैठे बर्फ। जानकारों ने जताई चिंता। रामनगर के टेढ़ा गांव से सटे जंगलों में इस कदर ओले गिरे मानो बर्फ की चादर बिछ गई हो। जंगल में पसरी सफेदी को देख स्थानीय लोग बर्फ समझ बैठे। वही इस तरह से ओलावृष्टि पर जानकारों विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार माना है। पौड़ी जीप टैक्सी यूनियन चुनाव। अमरदीप ने अध्यक्ष पद पर लगाई जीत की हैट्रिक। मंत्री जोशी ने किया बालोरगंज चामासारी मोटर मार्ग का भूमि पूजन। आबादी के बाद रोड से जुड़ेगी 4 गांव की आबादी। कपकपाती ठंड में बारिश के बीच नंगे पांव गंगाजल लेकर निकले भक्त। शिव की भक्ति में रमा कोटद्वार। उत्तराखंड में भक्ति का अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है, जहां से भक्त कपकपाते ठंड में बारिश के बीच नंगे पांव गंगा जल लेकर निकल रहे हैं, जिससे माहौल भक्तिमय हो गया है। कोटद्वार में भी कांवड़िए गंगा जल लेकर पहुंच रहे हैं। ऋषिकेश में डोर टू डोर होगा कूड़ा उठान। 20 वाहनों को प्रेमचंद अग्रवाल ने किया रवाना, दिखाई हरी झंडी। सीएम धामी ने पंचायती राज के 350 कर्मियों को बांटे नियुक्ति पत्र। जीपीडीओ को बताया लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव। सीएम धामी ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित 342 ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों और लोक सेवा आयोग के माध्यम से पंचायती राज विभाग के तहत चयनित 8 सहायक लेखाकारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं।
सरकुंडा में चढ़ता है थुनेर रसूली की पत्तियों का प्रसाद। आज अस्तित्व पर मंडरा रहा खतरा, विलुप्त की कागार पर औषधि गुणों से भरपूर वनस्पति।